विश्व का कौन सा देश हुआ कोरोना फ्री घोषित? भारत में आपको कैसे मिलेगी कोरोना वैक्सीन और मुंबई के सीवर में कैसे मिला कोरोना वायरस? वैक्सीन और कोरोना से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वैक्सीन अपडेट। न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस से संबंधित सभी पाबंदियों को हटा लिया है। न्यूजीलैंड को अब कोरोना फ्री घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें, न्यूजीलैंड में पिछले 2 हफ्ते से कोविड-19 का कोई मामला नहीं आया है। अमेरिका में वैक्सीनेशन अभियान तेज हो गया है। कोरोना वैक्सीन पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अमेरिका में वैक्सीनेशन जारी है। उन्होंने कहा कि गेट वेल यूएसए, वी लव यू ऑल। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि दुनिया भर के 4 में से 1 स्वास्थ्य केंद्रों में पानी की बेहद कमी है, जिससे लगभग 180 करोड़ लोगों पर कोरोना वायरस का खतरा बढ़ गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह के केंद्रों पर मरीजों और कर्मचारियों में बुनियादी जरूरतों की कमी है। फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन को खरीदने के लिए सरकार मना कर चुकी है। इसका बड़ा कारण वैक्सीन की कीमत है। कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत प्रति डोज $3 है, जबकि फाइजर वैक्सीन की कीमत $37 प्रति डोज है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो जल्द ही आपको कोरोना वैक्सीन मिलेगी। सरकार का कहना है कि कोरोना का टीका लगने की प्रक्रिया चुनाव की तरह होगी। उम्र की पुष्टि के लिए वोटर लिस्ट का उपयोग किया जाएगा। इसमें जिनकी उम्र 50 साल या उससे अधिक होगी उन्हें पहले ही चरण में वैक्सीन दी जाएगी। दिल्ली में पहले चरण की वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें लगभग 1,80,000 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीनेशन के साथ ही इन स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। भारत में जल्द ही कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ पहुंचने वाली है। 24 घंटे के अंदर 27,071 नए केस आने के बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 98,84,100 हो गई है। वहीं एक दिन में कोरोना से 336 लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस 3,52,586 हैं। हैदराबाद के बाद अब मुंबई में सीवर में भी कोरोना वायरस मिला है। मुंबई के धारावी, वड़ाला, शिवाजी नगर, कुर्ला, कंजूर और मलाड की झुग्गियों में कोरोना संक्रमितों के मल के जरिए वायरस सीवर तक पहुंचा। इस खबर के बाद बीएमसी की नींद उड़ गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि आज मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने संपर्क में आए लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है।